भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर युग में अवतार लिया है। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। इस वीडियो में हम भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। सतयुग के प्रारंभ में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे, तो तब अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात चार भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो पर ब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है।